जय राधे श्याम। हजुरहरु यो हेर्दै हुनुहुन्छ पर्वत जिल्लाको कुस्मा अवस्थित श्री मोदीबेनी धाम, जसलाई मोदीबेनी भनिन्छ। यो यताबाट यो जुन आइराखेको छ यसलाई काली गण्डकी जो दामोदर कुण्ड मुक्तिनाथबाट आइराखेको, र यतापट्टि यो जुन छ यो चाहिँलाई चाहिँ मोदी नदी भनेर छ। मोदी और काली गण्डकीको सङ्गम स्थल यो मोदीबेनी धाम, नरसिंह भगवानको विशाल मन्दिर यहाँ माथि छ। जय श्री राधे श्याम। ये है मोदीबेनी धाम, देख सकते हैं पल्ली साइड से मोदी नदी और इधर से कृष्ण गंडकी, जिसको शालिग्रामी नदी भी बोला जाता है, दोनों का संगम में अवस्थित ये सामने का है श्री नरसिंह धाम। ये मुक्तिनाथ जाने का प्राचीन मार्ग और मुक्तिनाथ के लिए मुक्तिनाथ द्वार भी बोला जाता है ये स्थान मोदीबेनी धाम। ये इधर से कृष्ण गंडकी बहती हुई आ रही है और देख सकते हैं झुलंगे पुल भी एक ऊपर है और एक इस साइड में है और एक इधर है, तीन पुल का परिक्रमा ऊपर ही ऊपर से परिक्रमा हो जाता है यहाँ का। जब कभी मौका लगे यहाँ पर आ करके संतों के लिए रुकने के लिए पूरा व्यवस्था है, यहाँ रुक करके ही आप लोग मुक्तिनाथ दामोदर कुंड की यात्रा करें। इसी कामना के साथ में जय श्री राधे श्याम, वीडियो देखते रहें और आगे यहाँ की जानकारी और मैं बताता रहूँगा। जय जय श्री राधे श्याम। मैं पहुँचा हूँ मोदीबेनी धाम, नरसिंह धाम, नेपाल का सबसे प्राचीन निम्बार्क पीठ, जिसको बैरागी अखाड़ा भी बोला जाता था, और ये मुक्तिनाथ जाने का मुख्य मार्ग। प्राचीन समय में सभी संत महंत इसी रास्ते से होकर के मुक्तिनाथ जाते थे, और यहाँ का बहुत ही सुंदर और यहाँ का वातावरण देख सकते हैं। और जब कभी आप लोग मुक्तिनाथ के लिए अगर आएँ तो इसी रास्ते से होकर के जाना होता है, तो यहाँ साधु संतों के लिए रुकने के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ये देख सकते हैं बहुत ही प्राचीनतम ये अखाड़ा और ये धुना, यहाँ भी यहाँ पर धुना है। ये काठिया संप्रदाय से पुराना प्राचीन ये यहाँ का जैसे कि बताया गया। और ये श्री नरसिंह मंदिर और ये पुराना अखाड़ा धुना, और यहाँ के बारे में मैं यहाँ ये प्राचीन विग्रह है श्री नरसिंह भगवान का जी। और ये विग्रह बताया कि दो बार तीन बार यहाँ से खोने के बाद में भी पुनः यहाँ पर मिल गया। तो ये मोदीबेनी धाम स्थित श्री नरसिंह भगवान का मंदिर, बहुत ही प्राचीन और पवित्र भूमि, निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन स्थान। और ये काठिया परिवार से संबंधित और वर्तमान नेपाल राष्ट्र जगत गुरु श्री मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज के कर कमलों द्वारा यहाँ पर श्री शालिग्राम यज्ञ होने के बाद में यहाँ का जीर्णोद्धार हुआ था बताया। और ये टीकाराम दास बैरागी जी महाराज, और इसी प्रकार से यहाँ का परंपरा जो आचार्य परंपरा के भी ये रहे। यहाँ वर्तमान में यहाँ का महंत जी महाराज वहाँ हुनुहुन्छ। तो यहाँ को इतिहास के बारे में अलिकति महाराज जी, यो मन्दिर साह्रै नै पुरानो, चार पाँच सय वर्ष अगाडि पुरानो हेर्नुहोस्। निम्बार्क सम्प्रदायको जस्तो बैरागी अथवा भनेर चिनिन्छ। यहाँ शालिग्राम भगवान् नरसिंह भगवान्को पूजाआजा हुन्छ, र यहाँ तीर्थव्रत गर्ने मान्छेहरू पनि धेरै आउँछन्। ठुली एकादशी, माघे सङ्क्रान्ति, वैशाखी पूर्णिमा, यिनमा धेरै यात्रीहरू श्रद्धालु भक्तजनहरू आउँछन्। यहाँ पुरानो स्थल भएको माने हुनाले धेरै ऋषि मुनिले तपस्या गरेको ठाउँ भनेर प्रचलित छ। यो यहाँ आएर श्राद्ध तीर्थ गर्दा श्राद्ध पिण्ड पानी दिँदा पनि काशी बैरागी चारधाम जानु पर्दैन भन्ने उल्लेख गरिन्छ भनेर अब यहाँ अब अध्यक्षजीले हजुरको शुभ नाम महाराजी। मेरो महन्त टीका रामदास बैरागी। जय श्री राधे श्याम। हाँ, ये आप थे टीका रामदास बैरागी जी, जो इस स्थान के अभी वर्तमान में महंत जी हैं। ये बताया कि संत महंतों का ये तपस्थली रहा है, और यहाँ पर आकर के श्राद्ध करने से गया काशी इत्यादि जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा यहाँ का प्राचीन मान्यता आपके मुँह से हमने सुना है। और आगे की विस्तृत जानकारी
राधेश्याम राधेश्याम यो नृसिंह भगवान जुन यो स्थान छ यो यो 300-400 वर्ष अगाडिको पुरानो हो यो इन्डियादेखि यहाँ दर्शन गरेर मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने उताबाट फर्केर आएर यहाँ बास फेरि इन्डियातिर फर्किने यो एकदम पुरानो स्थान छ यो नृसिंह भगवानको यो शालिग्राम भगवान हुनुहुन्छ शालिग्रामको सिंहको आकार भएको जुन हो यसमा चाहिँ वैष्णव हिमबारका सम्प्रदायका चाहिँ यहाँ यो अखाडा यो एकदम पुरानो नेपालको पुरानो अखाडा यो यहाँ जुन शालिग्राम भगवान 2032 सालमा एकपल्ट हराउनु भयो त्यहाँ फेरि हामीले भेटौँ यहाँ अहिले 2075 सालमा हरायो क्या 75 सालमा चाहिँ फेरि एकपल्ट यहाँ चोरी भयो चोरीलाई त्यो पनि हामीले चाहिँ 20-22 दिनपछि हामीले लल पत्ता लगाएर चाहिँ एकदम यहाँबाट चाहिँ भगवान अन्त जान मान्नु भएन चोरेर पनि लान सक्नु भयो लान सकेको छैन एकदम यस्तो यो ठाउँ हो यो पर्वत बाबुलुङ स्याङ्जा कास्की यो चार जिल्लाको एकदम सङ्गम स्थल हो यसमा चाहिँ धेरै ठाउँको मान्छेहरू चाहिँ स्नान गर्न आउनुहुन्छ तर यो ठाउँमा चाहिँ धेरै दाह संस्कार गर्न आउनुहुन्छ एकदम यहाँको एकदम पवित्र तीर्थ काली र गण्डकीको सङ्गम स्थल पनि हो यो एकदम एकदम यो यो पर्वत जिल्लाको सदरमुकामबाट 1-1.5 किलोमिटर जति तल खोजमा पर्छ यो यसको चाहिँ एकदम इतिहास पुरानो छ इन्डियाको वृन्दावन काठिया को चाहिँ परम्परा अनुसार चाहिँ यहाँ काठिया बाबाको परम्परा अनुसार चाहिँ यहाँ भएको यहाँ चाहिँ उहाँका चाहिँ चेला उहाँका महन्त रामदास बैरागीका चेला जयराम दास बैरागीले यहाँ यो ठाउँमा आएर यहाँ आएर बास बसेर मुक्तिनाथ जानुभयो मुक्तिनाथ फर्केर आउँदाखेरि म यो ठाउँबाट अन्त जान्न म यहीँ बस्छु भनेर चाहिँ भगवान्ले राति एकदम दीक्षा दिएर त्यहाँबाट भोलिपल्ट हेर्दाखेरि यहाँ अक्षितृतीयाको दिन पनि रहेछ त्यहीँबाट यो नरसिंह भगवान्को चाहिँ स्वरूप लिएर हिँड बसेर अहिले चाहिँ यो काठिया घाट बाबाको चाहिँ परम्परा अनुसार नै अहिले यो ठाउँ चलिरहेको छ रामदास काठिया बाबाको शिष्यबाट यो चाहिँ चलिरहेको हाम्रो चाहिँ पुरानो एकदम गुरु भने पनि उहाँको चाहिँ एकदम यहाँको पुरानो गुरु चाहिँ काठिया बाबा पनि हजुरको शुभ नाम मेरो चाहिँ गोपाल दास भइरहेको जय राधे धन्यवाद जैसे कि बताया रामदास काठिया बाबा जो श्री धाम वृंदावन में हाल में आश्रम भी है बहुत बड़ा तो उसी परिवार में से ये आश्रम चल रहा है उन्हीं के ही शिष्य थे मुक्तिनाथ धाम जो नेपाल का शालिग्रामी क्षेत्र बोलते हैं वहाँ से जब लौट के आ रहे थे तो उनका मन हुआ कि ये स्थान को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊँगा तो इसी स्थान में उनको सपना भी हो जाता है फिर शालिग्राम जी के स्वरूप में नरसिंह भगवान का यहाँ दर्शन मिल जाता है और मुक्तिनाथ जाने का मुख्य द्वार भी यही बना बताया जाता है प्राचीन तो आप कभी जब कभी मुक्तिनाथ दामोदर कुंड की यात्रा के लिए आएँ तो पर्वत जिला के कुसमा बस पार्क में उतरने के बाद में किसी से भी पूछिए मोदीबेनी धाम नरसिंह धाम तो कोई भी आपको यहाँ तक पहुँचा देगा और इस स्थान में अवश्य दर्शन के लिए सभी आएँ यहाँ पर गौ सेवा अलौकिक दर्शन देख सकते हैं ये काली गंडकी इधर से और इधर से मोदी और ये प्राचीन रास्ता यहाँ से ये देख सकते हैं नीचे 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 ये निकला है मुक्तिनाथ के लिए आने का मार्ग ये इसी रास्ते से होकर के पहले मुक्तिनाथ जाने के लिए मुख्य मार्ग इसी को बोला जाता था ये स्थान है मोदीबेनी धाम नृसिंह धाम ये रास्ता होते हुए पहाड़ी के बगल से रास्ता गया इधर से मुक्तिनाथ जाने का प्राचीन मार्ग ये देख सकते हैं दोनों नदियों के संगम में यहाँ पर शालिग्राम जी एक नरसिंह भगवान है वो 2-3 बार तक चोरी हो गए लेकिन ठाकुर जी अपने आप कैसे मिल गए तो इस स्थान में और ये संतों ने निम्बार्क संप्रदाय के संत जो काठिया परम्परा के थे आप जो है यहाँ पर जैसे आए तो उन्होंने रामदास काठिया बाबा के शिष्य यहाँ पर मुक्तिनाथ से जब लौट के आ रहे थे तो आते आते उनको रात को सपने में ये ऐसा भान हुआ कि इसी स्थान में बैठ जाओ उस तब यहाँ पर कुछ नहीं था तब उन्होंने यहाँ पर बैठे यहाँ पर थोड़ा बहुत मधुकुरी करके पाने लगे और रहते तो ये संतों की भूमि है संतों ने इस स्थान को उजागर किया है साक्षात नरसिंह भगवान ने इस स्थान को चुना है तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक बार अवश्य इस स्थान में पहुँचे इस वीडियो को अधिक से अधिक ने शेयर करके और लोगों को भी इस स्थान में पहुँचने के लिए मदद करें
जय श्री राधे श्याम। यो भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा जरुर बताउनु होला। धेरै भन्दा धेरैले यस भिडियोलाई शेयर गरेर सम्पूर्ण भक्तहरुलाई यस स्थानमा पुग्नको लागि सहयोग मध्य गर्नु होला। र यो भिडियोमा कुनै त्रुटि इत्यादि भएको खण्डमा हजुरहरुले कमेन्टमा पनि बताउन सक्नुहुनेछ। र पुनः मैले मोदी बहिनी परिक्रमाको पुनः अर्को भिडियो डाउनलोड गर्दैछु, पेस गर्दैछु, त्यसलाई पनि अवश्य हेर्नु होला। जय श्री राधे।